गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में आप लोग रासायनिक तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं, रासायनिक यौगिकों के विषय में पढ़ चुके हैं, आयनों के बारे में पढ़ चुके हैं। लगभग सबसे अधिक तत्व ज्ञात है जिनके आपको संकेत पहले से ज्ञात होंगे, रासायनिक यौगिकों के सूत्र आपको ज्ञात होंगे। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक से अधिक या एक ही रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ संयोग करके आपस में या अलग होकर एक से अधिक रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। जो रासायनिक पदार्थ क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, उनको अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो पदार्थ बनते हैं इस क्रिया में उसको उत्पाद कहा जाता है। अभिक्रिया में निर्मित पदार्थ होते हैं उत्पाद। रासायनिक समीकरण क्या है? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक संकेतों और रासायनिक सूत्रों के द्वारा संक्षेप में लिखा जाता है, जिसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। सबसे पहले हम उत्पाद नहीं बल्कि अभिकारक लिखते हैं। अभिकारक लिखने के बाद में तीर का निशान लगाते हैं, इसके बाद में उत्पाद का संकेत या सूत्र लिखते हैं। जैसे हम देख रहे थे कार्बन जिसका संकेत सी होता है और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं, CO2 गैस बनाते हैं। अगर कोयला जलाया जाता है तो कार्बन और ऑक्सीजन सहयोग करती है, तो इसके बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, उसके बाद में तीर का निशान लगाने के बाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखेंगे। तो ये है रासायनिक समीकरण, C+O2=CO2, ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रियाओं के अगर मुख्य प्रकार देखें जो कि आपके कोर्स में है, सबसे पहला जो बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? जब अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ में संयोग होता है, आपस में जो संयोग करते हैं तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा हमने पहले बताया है कि C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो ये संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये होता है योग होना या जुड़ जाना। दूसरी अभिक्रिया इसके जस्ट उल्टा है, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, एक अभिकर्मक या अभिक्रिया करने वाला पदार्थ टूट कर छोटे उत्पाद बनाता है। एक पदार्थ से टूटे से एक से अधिक पदार्थ बन जाते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसमें एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों में अलग हो गया, तो इसको इसीलिए कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, दो पदार्थ से अलग हो जाते हैं। तीसरी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एक यौगिक के परमाणु के स्थान पर दूसरा परमाणु समूह आ जाता है। इसमें क्या होता है कि एक यौगिक या एक अभिकारक से दूसरा परमाणु आ जाता है दूसरे में, तो जैसे देखते हैं 2Na+2HCl, HCl में H हट जाता है, अलग हो जाता है, H2 अलग हो जाता है और इसके जगह Na आ जाता है, सोडियम आ जाता है, तो बन जाता है 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जगह पे सोडियम क्लोराइड हो जाता है। तो इस तरह से एक नया पदार्थ बनता है जिसमें दूसरे पदार्थ का एक परमाणु आके जुड़ जाता है, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, केवल एक पदार्थ आके जुड़ता है। चौथा जो प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, अगर अवक्षेप का निर्माण होता है तो। इस अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे आयन कई तरह के होते हैं, जैसे NaCl में क्लोराइड आयन है और Na आयन है, सोडियम आयन है। इसी तरह से इसमें आप देख रहे हैं कि Na2SO4 और PaCl2, इसमें SO4 और Cl2 आयनों का आदान प्रदान होता है, तो Na से जुड़ जाता है Cl आयन, BaCl2 का Cl आयन से जुड़ गया और Na2SO4 का SO4 आयन BaCl2 के जगह पे CL2 के जगह पे BaSO4 बनाता है।
तो इस तरह से आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसका आयन इसमें जुड़ गया और इसका आयन दूसरे में जुड़ गया। तो इस तरह से दो आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पांचवा जो प्रकार है उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अपचयित होता है। उदाहरण देखते हैं CuO प्लस H2 बनता क्या है Cu, ऑक्सीजन से अलग हो गया इसलिए इसको अपचयन कहेंगे। अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हो जाता है तो उसको अपचयन कहते हैं, Cu बनता है। और H2 हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इस तरह से ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, उपचयन कहते हैं। इस तरह से CuO में Cu का अपचयन हो रहा है और H का हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। इस तरह से दो क्रियाएं होती है, उपचयन और अपचयन क्रिया। इस तरह से पांच आपके कोर्स की कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं हैं।